हेलो एवरीवन, विद्या केमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत के साथ आपके साथ आए हुए कुछ न्यू वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द जो शायद आपने कभी देखे सुने नहीं होंगे, नए वर्ड के साथ साथ ट्रेंडिंग वर्ड्स जो ट्रेंड में चल रहे हैं, जो पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, उनके साथ हम एक बार फिर से आपसे मुलाकात करने के लिए रेडी हैं। वो सारे वर्ड शेयर करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। चलिए अब फटाफट से देखते हैं। हम पहला वर्ड जो आपको बताना चाह रहा है कि ये एक नया वर्ड है। नया वर्ड मीन्स कि एक ऐसा वर्ड जो शायद बहुत कम देखा सुना गया है, ठीक है। इसका जो मतलब होता है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, बट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हूं मैं जो आपको बताऊंगी कि किस टाइप से ये वर्ड को आपको याद करना है। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन काम नहीं होना। काम का मतलब CALM मीन्स एक ऐसा पर्सन जो अभी काम नहीं है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो अभी वरिड है और अपसेट है। कोई भी ऐसा पर्सन जो अभी अपसेट है, टेंस्ड है, किसी चीज को लेके परेशान है, वो हो जाता है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो अपसेट होगा, वरिड होगा, टेंस्ड होगा, काम नहीं होगा, और कोई ना कोई टेंशन उसको लगी होगी, उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रॉट। अब देखो कनेक्टेड वर्ड कैसे बनाएंगे। दिस थॉट, दिस थॉट, इसका मतलब होता है इस थॉट पे, मतलब ये थॉट जो है तुम्हारा मुझे बहुत ज्यादा अपसेट कर दे रहा है। ये थॉट मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन का पर्टिकुलर थॉट मुझे बहुत ज्यादा टेंस्ड कर दे रहा है, कि मुझे ये थॉट तुम्हारा टेंस्ड कर दे रहा है और ये मुझे वरिड कर दे रहा है तुम्हारा ये वाला थॉट। सपोज करो ये थॉट, में कौन से थॉट की बात कर रही हूँ, कोई ऐसा थॉट जो हमारा नेगेटिव सेंस में जा रहा है। सपोज करो कि आपने, आपके पापा ने आपके ऊपर बहुत सारा पैसा लगा दिया पढ़ाई के लिए, और लास्ट में आपने जाके बोला कि मुझे मुझे अब नहीं पढ़ना, मुझे तो सिलेक्शन लेना ही नहीं है, तो आपके पापा क्या करेंगे, आपके इस थॉट के वजह से आपके पापा वरिड हो जाएंगे, टेंस्ड हो जाएंगे, काम नहीं रहेंगे, कूल नहीं रहेंगे, वो अपना आपा खो देंगे, ठीक है ना। तो जहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी किसी के थॉट से, उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रॉट। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आया है और आगे तक आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है डिसरप्शन। नेक्स्ट है डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब हुआ, वेट अ मिनट, डिसरप्शन का मतलब है आपका कोई ऐसी चीज जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को, एक्टिविटी को, या फिर किसी इवेंट को। प्रोसेस को कोई चीज जब आपको आपकी मतलब कोई भी ऐसी चीज जो प्रोसेस को ब्रेक करेगी पूरा होने से पहले, उसको बोलेंगे हम डिसरप्शन। सपोज करिए कि क्लास आपकी शुरू हो गई है और कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो आपकी क्लास है वो बंद हो गई, तो प्रोसेस शुरू तो हुआ लेकिन बीच में ब्रेक हो गया। ब्रेक होने को ही हम बोलेंगे डिसरप्शन, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बीच में ब्रेक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम डिसरप्शन। और ये ओल्ड वर्ड है, डिसरप्शन एक ओल्ड वर्ड है, ठीक है ना। ब्रेक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कोई भी प्रोसेस शुरू तो होगा लेकिन एंड पे नहीं पहुंचेगा, कोई भी प्रोसेस बीच में ही बंद हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिसरप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो फ्रेंजाइड। इट्स फ्रेंजाइड। फ्रेंजाइड का मतलब होगा अनकंट्रोल्ड पर्सन। सपोज करिए कि आपको कहीं से 50 लाख रुपए मिल जाए, ठीक है ना, 50 लाख किसी भी पर्टिकुलर जगह से उठाए और आपके हो गए वो, तो आपको क्या होगी, आपकी फीलिंग्स ऐसी होंगी कि अब आप कंट्रोलेबल पर्सन नहीं होंगे, आपको लगेगा पता नहीं मुझे क्या मिल गया, ठीक है। लेकिन जिसका खोया होगा उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। बट यस, आपके लिए वो कैसे वाली स्टेट होगी, एक अनकंट्रोल्ड स्टेट होगी, कि आप वहां पर अपनी फीलिंग्स को, अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जो फ्रेंजाइड है उसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, कोई भी ऐसी चीज जो अब कंट्रोलेबल नहीं होगी, उसको बोलेंगे हम फ्रेंजाइड। फ्रेंजाइड का मतलब होता है फ्राई, तो अच्छा देखो इसको कनेक्ट कर लेते क्योंकि नया वर्ड है, फ्राइड राइस। फ्रेंजाइड को मैंने कनेक्ट किया फ्राइड राइस से। आपको पता है फ्राइड राइस मैक्सिमम लोगों के फेवरेट होते हैं, जो फ्राइड राइस से हमने कनेक्ट किया फ्रेंजाइड को, कि जब फ्राइड राइस मैंने देखा तो मैं, मेरा जो, मैंने अपना आपा खो दिया, मतलब अब मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ खुद को, तो जो फ्रेंजाइड था वो बन जाएगा आपका फ्राइड राइस। और उसका मतलब होगा जब आपने फ्राइड राइस की खुशबू ली
आपसे कंट्रोल नहीं हो पाया और आपको लगा कि फाइनली मुझे उसको खाना ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंजाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है कलेक्शन किसी चीज का, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है कलेक्शन। अगर इसका कनेक्टिंग वर्ड ले हम, तो कनेक्टिंग वर्ड हम बना सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब कलेक्शन ऑफ बुक्स के लिए मेरे फादर ने मेरे को बधाइयां दी, मतलब इतनी सारी बुक्स मैंने रखी हुई थी कि मेरे पापा को लगा होगा कि मैंने पढ़ाई की होगी वो सब बुक्स की, तो जब मैंने बुक्स की पढ़ाई की है तो मेरे पापा ने मेरे को उन सब चीज को ले कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया, बधाइयां दी, जिसके लिए मैंने बुक्स का कलेक्शन किया था पढ़ने के लिए और मुझे सिलेक्शन मिल गया, ठीक है। तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है कलेक्शन, और कलेक्शन ऑफ पीपल एनिमल और थिंग्स, उसमें लोग भी आएंगे, जानवर भी आएंगे और कुछ चीजें भी आ जाएंगी, तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और कॉन्ग्रीगेशन को हम कनेक्ट करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन से, कि जब गैदर होते हैं लोग तो एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, अगर कोई अच्छी चीज होती है तो खुशी वाला माहौल होता है तो हम एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। सपोज करिए कि आफ्टर सिलेक्शन आपके पापा ने पार्टी रखी और बहुत सारे ऐसे बच्चे बुलाए जिनका सिलेक्शन हो चुका था, साथ में आपका भी, तो सारे लोग क्या करेंगे, कलेक्ट हुए हैं एक ही जगह पे और गैदर हुए हैं ऐसा बोले तो, और सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं क्योंकि सबका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रीगेशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है आपको नेक्स्ट आपको बोल रहा है वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कोई भी टाइप ऑफ जॉब कर सकता है पैसे के लिए, मतलब उसको कोई शायनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको पैसा चाहिए जस्ट टू फीड द फैमिली और जस्ट टू फीड हिमसेल्फ और एनी पर्सन, ठीक है। तो जब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ का एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आ गया कि अब आपको कोई काम करने में शर्म नहीं है, ये आता है टाइम के साथ। शुरुआत में जब हम छोटे रहते हैं तो हमें बहुत काम करने में बुरा भी लगता है, बट वो गलत चीज होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोई भी जॉब करने के लिए, जब आप किसी भी पर्सन के लिए कोई भी जॉब, किसी भी टाइप का जॉब करने लग जाओगे तो उसको बोलेंगे हम मर्सिनरी। क्या बोलेंगे हम, मर्सिनरी बोलेंगे उसको, मर्सिनरी बोलेंगे। मर्सिनरी का मतलब है कि जब आप कोई भी टाइप का जॉब करने लग जाओगे किसी भी पर्सन के लिए बिना किसी शाइनेस के, तो उसको वो हो जाएगा आपका मर्सिनरी। अब देखो स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रेपरेशन, मतलब बिना तैयारी के जो स्पीच डिलीवर होती है, सपोज करो कि आज मेरी क्लास ना हो बट स्टिल मेरे को बोला जाए कि आज आपको क्लास लेनी है, तो मेरी कोई तैयारी नहीं होगी, है ना, तो मैं आपको वर्ड्स कैसे सिखाऊंगी, वर्ड्स नहीं सिखाऊंगी तो आपका लॉस होगा, वो चीज पेपर में अगर आ गई तो आपको बुरा लगेगा। इसीलिए विद्या कैमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू वर्ड्स, कि आपको जो न्यू वर्ड्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और आपको इजीली समझ में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो जो चीज मैं बिना तैयारी के बोलना स्टार्ट कर दूंगी उसको बोलेंगे हम एक्सटेम्पर, ठीक है, एक्सटेम्पर हो जाएगा वो, कि कोई भी चीज जो आपने तैयार नहीं की थी वो आ गई, बहुत ओल्ड है, वेरी वेरी ओल्ड, कई बार पूछा गया है बट आपको याद रहना चाहिए। कोई भी स्पीच आपको बोलने के लिए दी जाए जो कि आपने उसके लिए तैयारी नहीं करी है, दैट वुड बी एक्सटेम्पर। नेक्स्ट देखो आपका अनप्रीमिडेटेड। अनप्रीमिडेटेड, अनप्री में आई नहीं आएगा, अनप्री में ई आता है, ई आता है, अनप्रीमिडेटेड होता है, अनप्रीमाडेटेड नहीं होता, गलत हो गया, अनप्रीमिडेटेड नहीं होता, अनप्रीमिडेटेड होता है, मतलब पहले से तय नहीं किया हुआ, मतलब पहले से सोचा नहीं हुआ, जो चीज हम पहले से नहीं सोचते उसको बोलते हैं हम अनप्रीमिडेटेड। अनप्रीमिडेटेड का मतलब हो जाता है कि जो चीज हमने पहले से नहीं सोची होगी बट वो आ जाए या वो हमें करनी पड़ जाए, दैट इज अनप्रीमिडेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बोल रहा है इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज्ड में याद रखना एम्प्रो तो नहीं होगा, है ना, तो एम्प्रो वाले तो दोनों गलत हो गए, सी बी और बी बी, बचा इम्प्रोवाइज्ड, इसका मतलब होता है
कि कोई भी काम जल्दी जल्दी में करना है ना, फटाफट कोई भी काम कर देना, कोई भी चीज कर देना। इम्प्रोवाइज्ड में डबल एस तो कभी नहीं आता, आंसर बचा आपका डी, इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी करना हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। अनप्रीमिडेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज जो पहले से आपने तय नहीं किया है, पहले से आपने सोची नहीं है। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है कोई भी चीज जो आप सेकेंड्स में कर देते हैं, उसका मतलब होता है इम्प्रोवाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ईडमैन फ्रेज। अवॉर्ड इंटेंट, इसका मतलब देखो क्या होता है, अवॉर्ड का मतलब होता है सहमत, सहमत होना, अग्री, सहमत और अग्री, इसका मतलब होता है, देखो क्या बोल रहा है, द सॉलेम पब्लिक प्रॉमिस और प्लेज टुवर्ड्स सम गोल और अचीवमेंट। मींस कोई ऐसा प्रॉमिस या फिर कोई ऐसी प्लेज, प्लेज का मतलब होता है कि जो हम कसम खाते हैं, दैट इज प्लेज, ठीक है। जो प्लेज ले हम किसी चीज, किसी पर्टिकुलर गोल के लिए कि हम ये काम पूरा करेंगे। सपोज करो कि आप प्लेज लो, कसम खाओ, या फिर आप किसी को प्रॉमिस करो कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो, तो दैट इज योर प्रॉमिस टू समबडी और दैट इज अ प्लेज कि आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप प्रॉमिस करते हैं और प्लेज लेते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा अवॉर्ड इंटेंट। अवॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना, किसी चीज से अग्री होना, अग्री होके अगर कोई काम करना स्टार्ट करेंगे तभी तो वो काम करना शुरू होगा। अगर वो काम आप पहले से सहमत नहीं होंगे तो वो काम कभी स्टार्ट होगा ही नहीं। तो जब आप प्रॉमिस या प्लेज लेते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, दैट इज अवॉर्ड इंटेंट। टेन नंबर देखो, अवे विद द फेरीज। फेरीज का मतलब होता है परिया, ठीक है। अवे विद द फेरीज, इसका मतलब क्या होता है, चले जाना फेरीज के साथ, मतलब फेरीज हमारे ड्रीम में आती है ना, तो ड्रीम वाली चीजें करना, रियल लाइफ में रियल लाइफ को जीना, रियल आर ई ए एल, रियल आर डबल ई एल, मतलब रियल लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है, रियल लाइफ में उसका उल्टा होता है हमेशा, ठीक है ना। तो अवे विद द फेरीज का मतलब है फेरीज के साथ रहना, फेरीज के साथ मतलब ड्रीम्स में रहना हमेशा, कोई भी पागल वाली वो करना हरकतें जिससे कि ऐसा लगे कि अभी भी आप ड्रीम वर्ल्ड में हो। तो जब आप ड्रीम वर्ल्ड में रहोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अवे विद द फेरीज, कि आप फेरीज के साथ गए हुए, फेरीज हमारी ड्रीम में आती है हमेशा, दिन में कभी नहीं आती, तो जो चीज आपको डे में नहीं मिलेगी वो आपकी कभी भी रियल नहीं होगी। तो यहाँ पे जो चीज रियल नहीं है उसी की बात की जा रही है कि कोई भी ऐसी चीज जो आप सिर्फ ड्रीम में देख सकते हो उसको बोलेंगे अवे विद द फेरीज। ये था आपका सेशन, अब इसको मैं खत्म करने जा रही हूँ। यहाँ पे एक वर्ड यहाँ बहुत जरूरी था जो मैंने आपको फर्स्ट वर्ड बताया, डिस्ट्रॉट, वो बहुत बार आया है और बहुत बार आने के आगे भी चांसेस हैं क्योंकि वो कई बार पूछा गया है। कई बार पूछे जाने का मतलब है वो इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, उसको आप थोड़ा ध्यान से रखना। अदरवाइज अब हम मिलेंगे कल सेम टाइम पे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।